एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो अभी मैं जोधपुर आई हुई हूँ। लास्ट टाइम एडमिशन के बाद मुझे घर वापस जाना पड़ा था बिकॉज हमें हॉस्टल्स अलॉट नहीं हुई थी। हमें 7 to 9 November के बीच में बुलाया गया था मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, हॉस्टल अलॉटमेंट एंड एफिडेविट सबमिट करने के लिए। सो आज 10 November है। मैं ऑलरेडी एक दिन लेट हो चुकी हूँ बिकॉज फेस्टिवल सीजन की वजह से ट्रेन्स अवेलेबल नहीं थे। तो लेट्स सी कि आज क्या क्या होता है। सो सबसे पहले हम कॉलेज बिल्डिंग गए। मेरे मम्मा पापा भी आए थे मुझे फाइनली यहाँ शिफ्ट करने के लिए। एंड लुक एट द ब्यूटीफुल कैंपस दैट एम्स जोधपुर हैव। कॉलेज बिल्डिंग जाकर हमने एफिडेविट सबमिट करवा दिए और फीस की पेमेंट कर दी। देन हमें हॉस्टल रूम्स अलॉट हो गए। सो दिस इज़ माय रूम। एम्स जोधपुर प्रोवाइड्स 2-seater रूम्स विच आर क्वाइट स्पेशियस एंड गुड इनफ फॉर 2 persons। क्योंकि अब हमें हॉस्टल्स अलॉट हो गए थे तो हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी थी हॉस्टल रूम के लिए भी और कुछ खुद के लिए भी, लाइक बेड शीट्स, बकेट्स, क्लोथिंग्स, कॉलेज बैग्स एंड मैनी मोर सच स्टफ्स। तो इसके लिए हम चले गए जोधपुर मार्केट और इसी बहाने हमने थोड़ा जोधपुर मार्केट को भी एक्सप्लोर किया। वंस डन मैं फाइनली अपने बैग्स के साथ हॉस्टल में शिफ्ट होने के लिए निकल गई और बीच में मुझे ये प्यारा सा व्यू दिखा जिसे मैंने कैप्चर कर लिया। ये प्रोसेस इतना भी आसान नहीं था। यू कैन सी द मेस अराउंड और ये सब कुछ मुझे अकेले ही अरेंज करना था। सो फाइनली आई डिड इट। द नेक्स्ट डे हमें अपने मेडिकल एग्जामिनेशंस कंप्लीट करवाने के लिए ओपीडी जाना था, जो कि एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं हमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाके वेरियस टेस्ट करवाने थे टू प्रूव दैट वी आर मेडिकली फिट टू जॉइन द इंस्टीट्यूट। सो शाम को हम सभी बैचमेट साथ में एक कैंपस टूर के लिए निकले जिसमें हमने एम्स जोधपुर के अलग अलग पार्ट्स को एक्सप्लोर किया। मैं आपके साथ पूरा कैंपस टूर एक अलग वीडियो में शेयर करूँगी। और सच में एम्स जोधपुर का कैंपस जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी अच्छा है। ये हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है और ये हमारे हॉस्टल्स हैं। क्योंकि अभी हमारे क्लासेस स्टार्ट नहीं हुए थे तो हमने जोधपुर के एक प्लेस अशोक उद्यान जाने का प्लान किया। यहाँ हम सभी बैचमेट्स ने काफ़ी इन्जॉय किया और हमारी अच्छी इंटरेक्शन भी हुई एंड ऑल्सो हमारे बॉन्ड्स भी काफ़ी स्ट्रांग हुए। सो ओवरऑल वी हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस। 14 November ऑनवर्ड्स हमारे ओरिएंटेशन स्टार्ट हो गए, जो कि एक 7-day का प्रोग्राम होने वाला है। ओरिएंटेशन का वेन्यू हमारा ऑडिटोरियम है। सो दिस इज़ आवर ब्यूटीफुल ऑडिटोरियम। अंदर से भी ऑडिटोरियम काफ़ी बड़ा है। सो हैव अ लुक। द ओरिएंटेशन प्रोग्राम स्टार्टेड विद आवर डीन लाइटनिंग द लैम्प। उसके बाद हमें हमारे सब्जेक्ट्स और हमारे प्रोफेसर से इंट्रोड्यूस करवाया गया एंड ऑल्सो हमारी आपस में इंट्रोडक्शन हुई और हमें हमारे पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कई सारी बातें सिखाई गई। अभी भी हमारे ओरिएंटेशन चल रहे हैं और हमें कई सारी बातें सिखाई जा रही है बिफोर स्टार्टिंग आवर एकेडमिक रूटीन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।